बाढ़ से घिरे दर्जनों गांव, घाघरा कटान में समा रही फसल खतरे में, ग्रामीणों की आजीविका। जनपद में बाढ़ प्रभावित तहसील मैसी, नानपारा, मोतीपुर, कैसरगंज तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ से घिरे पिछले दो दिनों से घाघरा सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बावजूद इसके 14 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। आधा दर्जन से अधिक संपर्क मार्गों पर पानी बह रहा है। कटान तेज हो गया है। कई बीघे लहलहाती धान की फसल धारा में समा कर विलीन हो गई है। घाघरा के तटवर्ती गाँव के ग्रामीण दोहरी मार झेलने को विवश हैं। घूर देवी स्पर पर नदी 42 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। घटता बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों की दुश्वारी बढ़ा रहा है। मंगलवार को घूर देवी स्पर पर घाघरा का जलस्तर 111.330 मीटर रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को यहां पर नदी 111.490 पर बह रही थी। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 16 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है। शहर में तो तेज पानी बरस रहा है। बाढ़ प्रभावित तटीय इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। माजा दरिया, जर्मापुर, नगेसरपुरवा, तारापुरवा, जुगलपुरवा, शुकुलपुरवा समेत 7 गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। कायमपुर, तारापुरवा, जुगलपुरवा, शुकुलपुरवा समेत आधा दर्जन संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जलस्तर कम होने के बाद कटान तेज हो गई। बाढ़ के साथ कटान की विभीषिका ग्रामीणों को परेशानी में डाल रही है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शोभित कुमार कुशवाहा ने बताया कि सरयू बैराज से 5000 क्यूसेक, शारदा बैराज से 68000 क्यूसेक और घाघरा बैराज से 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। घाघरा धारा में समा रही फसल ग्रामीणों के आजीविका पर भारी संकट के बादल। बहराइच उत्तर प्रदेश जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटानी तेज हो गई है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरी धान की फसल धारा में समा गई है, जिससे आजीविका पर संकट बढ़ गया है। कटान की विभीषिका से ग्रामीण चिंतित है। कोडवा के संजय कुमार व पिपरी निवासी ब्रजेश महफूज, जफर मकबूल, रामू, मोती के आशियाने कटान के मुआयने पर हैं। कोड़वा गांव के मूलचंद, ब्रज कुमार, लक्ष्मीकांत, गया प्रसाद, रामचंद्र, ननकऊ की 5 बीघे धान व गन्ने की लहलाहाती फसल धारा में समा गई। क्या कहते हैं तहसीलदार महसी? तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि जलस्तर कम हो रहा है, आबादी से पानी घट रहा है। बाढ़ व कटान की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कटान पीड़ितों परिवारों को आयुधिक सहायता दी जाएगी। काफ़ी इस समय धान की फसल लगी, हरी भरी धान की फसल कट रही है, गन्ने की काफ़ी फसल कट गई है, तो इसका कोई मुआवजा मिलेगा किसानों का? किसका? नहीं नहीं, ये फसल नुकसान हो रही है तो मुआवजा तो मिलेगा ही, और इसकी सूची मैं बनवा करके फिर इसकी व्यवस्था कराता हूँ। कैसे फसल नुकसान हो रही है ना जी। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है, ग्राम बिरगुपुरा मझारा तौकली, ब्लॉक फकरपुर। यहाँ जो है कटान कई वर्षों से चल रहा है, इस समय कुछ ज़्यादा ही कटान हो गया दो पिछले वर्ष से, और अभी जो है गांव के काफ़ी करीब आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहां से मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पे गांव है, और अभी तक के कोई शासन प्रशासन से हम लोगों का राहत के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है। SDM साहब आए भी तो उन्होंने कहा कि ये बंधे के अंदर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको जो है बंधा अहमियत रखता है, लेकिन जो है 40 से 45 हज़ार की आबादी जो है बंधा के नीचे जो बात किया जाए, उनसे उनका कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे में कहाँ जाएं हम लोग? अपना दर्द और संकट किससे हम सुनाएं? आज जो 100 मीटर की दूरी पर हम लोग जब रात को सोते हैं, तो इसकी जब कटान की आवाज़ आती है, तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं हम लोग सोई हुई हम लोग की खाट न बह जाए, कि हम लोग की जो बच्चे और वो सब डूब जाएँ उसी में। काफ़ी हम लोग दहशत में हम लोग सोते हैं कि रात को जो है कहीं कटान तेजी न हो और कहीं हम लोग चारपाई के साथ न बह जाएं। क्या नाम है आपका? सुभावती। ये आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं नदी के तीर से, नहीं नदी कटान लागी है, और आप लड़का बच्चा लेकर के अब ऊँचे भाग रहे हैं। यानी काफी मकान कट रहे हैं? हाँ, घर द्वार सब कटता है। हमें व्यवस्था चाहिए, हम लोग का व्यवस्था चाहिए। कितनी जमीन अब तक कट चुकी है लोगों की? जमीन तो सब कट गया है। ये हम देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर आप परिवार के साथ जा रहे हैं, और किस कारण अपना घर उजाड़ा? मैं इसलिए जा रहा हूँ कि नदी हमारे दम कटान पे है, हमारा घर द्वार दम यानी कट चुका है, थोड़ी दूर बाकी है समझे कटने के लिए, इसीलिए हमारा परिवार लेकर जा रहे हैं कहीं सड़क किनारे कहीं भी अपना गुजारा करेंगे बाल बच्चे लेकर। क्या आपकी जमीन भी नदी में समा गई है? नदी पूरी, हम लोग कोई जमीन ही नहीं है। क्या नाम है? रत्तीलाल। रत्तीलाल,